अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने में कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मौके जहाँ चुप रहने से लाभ और बोलने से होता है नुकसान। बिना तथ्य के न बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। शब्दों से न पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। पवित्र वस्तुओं का न करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। क्रोध में रहें चुप। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपका क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए न करें कोई बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती है। किसी के बारे में न बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। शब्दों से आपके दोस्तों को न हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को न पहुँचाए हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है।